मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पीतल मजदूरों के सामने लॉकडाउन के चलते आ रही गंभीर समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए की गई सरकार द्वारा पूरे देश भर में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन की घोषणा करते समय दिनांक 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा ये अपील की गई थी कि नियुक्तों द्वारा वे अपने मजदूरों को लॉकडाउन अवधि का पूरा वेतन दे और किसी को काम से ना निकाले। आदेशों पर अमल करते हुए कुछ फैक्ट्रियों ने मार्च अप्रैल का वेतन भुगतान किया था, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने आदेशों की पूर्ण से अवहेलना की। लेकिन अब तो समस्त फैक्ट्री संचालकों ने मई का वेतन भी नहीं दिया है और मजदूरों को कार्य से भी वंचित कर दिया है। इसलिए पीतल मजदूर यूनियन जिला अधिकारी द्वारा इसका समाधान निकालने की मांग करती है। सुरेश पाल जी किस संबंध में आना हुआ है? आज हमारे यहाँ संबंध इसलिए आना हुआ है कि कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन जारी की थी प्रधानमंत्री जी ने कि लॉकडाउन टाइम का कोई पैसा नहीं कटेगा किसी कर्मचारी का, 50% हमें वेतन दिया गया वो भी हमारी सैलरी से काटा जा रहा है। और जो पीएफ का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा भी जमा हुआ है और मजदूर की सैलरी में से भी काटा जा रहा है। और जो मजदूर काम से निकाले गए उनको वापस लिया जाए और लॉकडाउन पीरियड का जो पैसा है वो दिया जाए। पीएफ का पैसा जो गलत तरीके से काट रहे हैं वो उनको वापस किया जाए। इसके साथ ही जो लोग काम से रोका गया है उनको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके घर के चूल्हे बुझने की कगार पर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको काम काज नहीं होगा तो ये खाएंगे क्या। पीएफ की कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोग? इसमें कई संस्थाएँ ऐसी हैं, हमारा सनराइज इंडस्ट्रीज से निकाले गए हैं 23 लोग और ग्लोबल मेटल से निकाले गए हैं 8 लोग। इसी तरीके से अन्य फैक्ट्रियों से भी वर्कर निकाले गए हैं। तो इस संबंध में किससे शिकायत की आज आपने? हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत की है, डीएम साहब के पास आए थे, वो मिले नहीं, तो सिटी मजिस्ट्रेट